हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह के 6 बज रहे हैं और आज ये कैंडी का पता नहीं क्यों खेलने का बहुत ज़्यादा मूड हो गया और मुझे हो रही थी लेट, पर ये मुझे छोड़ ही नहीं रही थी और मेरी स्लीपर भी नहीं छोड़ रही थी, मुझे वॉशरूम भी नहीं जाने दे रही थी। आज पता नहीं इसे क्या हो गया था। वैसे ये समझती है कि सुबह के टाइम मैं बिज़ी रहती हूँ तो नहीं परेशान करती, पर आज इसे पता नहीं क्या हो गया। दो कैंडी, जल्दी दो। हम गए बेकरी शॉप, मेरी फ्रेंड की एनिवर्सरी थी, हमने वहाँ से कुछ केक, पेस्ट्रीज और डोनट्स खरीदे। डोनट्स इसलिए क्योंकि बच्चों को पसंद है, वैसे तो केक ही लेना था हमें और कुछ नहीं लेना था, लेकिन हमें डोनट्स दिख गए तो हमने बच्चों के लिए ले लिए। बच्चों को तो कितना भी चॉकलेट पेस्ट्री दो, उन्हें कमी है। फिर वहाँ से निकले और निकल कर हम आगे बढ़े तो हमें गन्ने वाले जूस के भैया दिख गए। हमने सोचा आज गन्ने का जूस ये वाला, वैसे तो नॉर्मली हम शॉप पर लगते हैं, और करने वाले भैया को डिस्टर्ब करते हुए हम आगे बढ़े जूस के लिए। ना चाहते हुए भी भैया को अपना फ़ोन रखना पड़ा और हमें जूस पिलाने के लिए। वैसे ये नया सिस्टम है, नई मशीन लगाई गई है, वैसे ये बढ़िया है क्योंकि इसमें क्लीन एंड सब कुछ रहता है, सही रहता है। हमारे सामने ही जूस बनाया। कांच का बर्तन होने की वजह से आपको क्लीन दिख रहा है कि इसमें इन्होंने पानी मिक्स नहीं किया। ट्यूशन से पिकअप किया हमने, फिर हम पार्क की ओर बढ़े। थोड़ा सोचा आज वॉक कर लेते हैं, नॉर्मली हम पार्क जाते ही हैं वॉक करने। बच्चे यहाँ खेलने लगे, और एक आंटी यहाँ पे आए एक्सरसाइज कर रही थी, उनसे मोटिवेशन लेते हुए मैं आगे बढ़ी और हम घर की तरफ निकले। घर पहुँच कर सबसे पहले मैंने मुँह हाथ धोकर अपनी पूजा की, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। आज आते आते हम लोगों को अंधेरा हो गया था और पूजा ज़रूरी थी। उसके बाद चाय, दूध गर्म करने रखा, चाय रखा, क्योंकि चाय के बिना तो शाम अधूरी है, सुबह अधूरी है और शाम भी अधूरी है। साथ साथ में डिनर की भी तैयारी करने लगी। मैंने दाल भिगो के रख दिया क्योंकि मुझे मिक्स दाल बनानी थी और मैं अपनी चाय लेके फिर बैठी आराम से। हेलो एवरीवन, आज मैंने एक ट्राईपॉड ख़रीदा है, मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ। ये है वो ट्राईपॉड, देखिए ये गोरिल्ला ट्राईपॉड है। ये तो मुझे समझ में आ गया, मैंने इसे फिक्स भी कर लिया पूरा कि बहुत अच्छे से मुझे सब कुछ सेट हो गया और ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। इसे मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था 389 में, ये अच्छा है। पर ये उसके साथ एक रिमोट मिला है, छोटा रिमोट, छोटा सा है, बिल्कुल छोटा सा, मगर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये वर्क कैसे करता है। इसमें ऑन करने पे ऐसी लाइट शो होती है, मगर मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये कैसे वर्क करेगा, कैसे काम करेगा। तो अगर प्लीज़ आप लोगों को पता हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि ये कैसे काम करता है। नाउ गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट एवरीवन, बाय, टेक केयर।